के क्षेत्र में भी आपको मैंने बताया, ईआरसीपी हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारे माई की योजना हो, चाहे हमारे ब्राह्मणी की योजना हो, बहुत बड़ी योजना हमारे राजस्थान के अंदर आने वाली है। हमारे जो इंदिरा गांधी नहर आती है उसकी सिंचाई की व्यवस्था जो पोंग डैम से होकर के आती है, पंजाब के अंदर जो हमारी कच्ची नहर है हमने हमारे इस बजट में उसको भी पक्की कराने का हमने फैसला किया है। और केंद्र सरकार से जो पैसा मिलेगा राज्य सरकार भी हमारी उसमें करते हुए लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें है, उसे क्योंकि बार बार वो टूटती है उसे भी पक्का कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। सहकारिता के क्षेत्र में 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण, 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर भी लगभग 35 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। हमने इन सारे विषयों को लेते हुए हर क्षेत्र में हमारे बजट में पशुपालन डेयरी से लेकर के आपने देखा होगा, हमने अगर हमारा जो रेगिस्तानी जहाज है, राष्ट्रीय पशु हमारा ऊंट है, उसका जो अनुदान 10,000 मिलता था उसका हमने पालने के लिए हमने उसको भी 20,000 किया है। और हमने 500 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का भी किया है, 125 पशु चिकित्सकों को 525 पशुधन सहायकों की भर्ती के लिए भी कहा है कि जिससे हमारा, क्योंकि किसान का आप देखते हैं किसान के साथ साथ पशुपालन हमारे किसान का प्रमुख काम होता है, वो उसका सहारा होता है, वो उससे धन उपार्जन करते हुए उसके जीवन में, किसान के जीवन में पशुपालन बहुत बड़ा काम है, हमने उसको भी किया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे बजट में हमने ऑर्गेनिक खेती के लिए भी हमने उसमें छूट दी है, हमने अगर वो 1 बीघा या 1.5 बीघा ऑन बना करके उसको करेगा तो हमने उसमें 10,000 रुपये का अनुदान देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो संकल्प पत्र था और जिस संकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार उस काम को पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और हर क्षेत्र में चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, निश्चित रूप से हमारी सरकार संकल्प है कि हम कृत संकल्प है कि हम उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सभी ने आज का बजट देखा होगा, जिस तरह से हमने हर क्षेत्र को ध्यान रखते हुए इस बजट को आपके हमारी विधानसभा में रखा है, हमारी वित्त मंत्री जी ने, मैं वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 3 घंटे इस बजट को बहुत ही बखूबी के साथ रखा और अच्छा बजट पेश किया। निश्चित रूप से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक मिनट, सभी पत्रकार बंधु बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अभी हमारी स्टार्टिंग है, मंदिरों को तो कई को किया है, लेकिन हम एक मॉडल के रूप में हमने खाटू श्याम मंदिर का जो हमने एक मॉडल बना करके, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंदिर बने हैं, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बना है, हमारे हम खाटू श्याम जी से हमने स्टार्ट किया है और आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको किसी से परहेज नहीं है, हम हमारे सरकार में आप देखेंगे सभी का विकास हो रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार ने आपने देखा होगा और हमारी सरकार का भी आपने देखा होगा, ये छमाही में ही मैं बताना चाहता हूं, ये जो छमाही है इसमें भी हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से अपनी क्षमताओं के माध्यम से हमारा जो आय है वो हमने बढ़ाया है। आने वाले समय में हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार जो हमेशा
ये सरकारें घाटा पेश करती हैं, आने वाले 5 साल के अंदर हमारी सरकार उसको कम करेगी, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। एक बार कोई हाथ में, हाँ ऐश्वर्य जी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा इस देश के अंदर बहुत आए, हजारों सालों की गुलामी का इतिहास आपने देखा होगा। कुछ लोग इसको बदलने के लिए भी आए थे, कुछ लोगों ने यह कहा कि यहां की हम संस्कृति बदल देंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये इस देश की संस्कृति वो संस्कृति है जो आज तक कोई नहीं बदल पाया। अंतर आया, जो ऐसी सरकार आई जिन्होंने महत्व कई और दिया और अपनी संस्कृति को कभी परवाह नहीं की। हम कहना चाहते हैं कि हमारी ये संस्कृति अक्षुण है, अक्षुण रहेगी और उस संस्कृति के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी। पीयूष जी एक मिनट एक पीयूष जी,